नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार की राजधानी पटना लगातार बदल रही है, हर तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है और हर रोज एक नई खबर सुनने को मिलती है। पटना में पहले सीएनजी स्टेशन लगे और उसके बाद सड़कों पर सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा दौड़ने शुरू हुए। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना। अब एक बड़ी खबर यह है कि पटना में CNG से बसें भी चलनी शुरू होंगी। इसकी तैयारी बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि CNG बसों के लिए पहले एक बस सेवा शुरू होगी और उसके बाद और सितंबर महीने तक 20 अन्य बसों को भी शुरू किया जाएगा। 2-3 दिनों में टेंडर निकलने की बात सामने आ रही है इसका, इलेक्ट्रिक बसों के अध्ययन के लिए 2-3 दिनों में इसका टेंडर निकलने की बात सामने आ रही। तो कहा जा रहा है कि अगले महीने पटना में CNG बस सेवा शुरू होगी। पहले इसे एक बस में लगाकर लॉन्च करने की तैयारी चल, जिसके लिए परिवहन निगम स्थानीय टेक्नीशियनों की मदद ले रहा है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि अगस्त के अंत तक इसे शुरू कर दिया जाएगा। बड़ी संख्या में डीजल चालित बसों को CNG किट लगाकर CNG चालित बसों में बदला जाएगा। इसके लिए BSRTC अगले 2-3 दिनों में टेंडर निकालेगा। सितंबर तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। पटना की सड़कों पर 21 CNG बसें दौड़ने लगेंगी। इधर एक बार फिर से पथ परिवहन निगम ने 10 नई CNG बसें खरीदने के लिए पिछले महीने टेंडर निकाला था, लेकिन सिंगल टेंडर आने के कारण पहले प्रयास में इसे पूरा नहीं किया जा सका। दोबारा टेंडर निकाला गया है जिसमें 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया। टेंडर पूरा होने के बाद इन बसों की आपूर्ति होने में 2-3 महीने का समय लगेगा और दिसंबर तक ये पटना की सड़कों पर दौड़ने लगेगी। इसमें शामिल होने के बाद CNG बसों की संख्या 31 हो जाएंगी। वहीं इलेक्ट्रिक बसों के अध्ययन के लिए परिवहन विभाग ने 2 सदस्यीय टीम कोलकाता रवाना की है। यह टीम कोलकाता में नगर बस सेवा में इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल का अध्ययन करेगी। तो कुल मिलाकर के बिहार की राजधानी पटना में CNG ऑटो रिक्शा के बाद अब बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर CNG चालित बसें भी चलनी शुरू होंगी। इसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं, टेंडर निकलने जा रहा है और पटना में प्रदूषण के लेवल में काफ़ी कमी दर्ज की जाएगी अगर डीजल चालित बसों को CNG में तब्दील कर दिया है। तो आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, आगे क्या कुछ इस खबर पर अपडेट होता है हम आपको वो भी देंगे। हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecity.in पर जाएं। धन्यवाद।